प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। काफ़ी मशक्कत के बाद हमें वार्षिक परीक्षा का पेपर मिल गया है, जीवन कौशल का कक्षा 11 का। ये ओरिजिनल पेपर है जो हमें प्राप्त हुआ है। पेपर को पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को भी शेयर करें। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, कल और परसों लास्ट एग्ज़ाम है और लास्ट एग्ज़ाम है तो इसी वजह से किसी का जीवन कौशल और किसी का आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, तो ये आपका पेपर है। 40 अंकों का दे रखा है। देखो, अलग अलग जगह अलग अलग अंकों का हो सकता है, लेकिन यहाँ 40 अंकों का ओरिजिनल पेपर है। पेपर को पढ़ना शुरू करें तो उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए साथियों को शेयर करते हुए। प्रश्न नंबर 1, मलेरिया रोग के क्या क्या लक्षण हैं बताइए। प्रश्न नंबर 2, गर्भावस्था किसे कहते हैं। देखो, मलेरिया के अंदर तो एक तो बुखार आती है, जुकाम होता है, चिड़चिड़ापन होता है और तनाव सा भी आ जाता है। और गर्भावस्था किसे कहते हैं, जब एक महिला के अंदर, महिला के गर्भ के अंदर एक शिशु जो अवस्थित होता है उसको गर्भावस्था कहता है। प्रश्न नंबर 3, स्मरण शक्ति बढ़ाने हेतु घरेलू इलाज लिखिए। स्मरण शक्ति बढ़ाने हेतु घरेलू इलाज लिखिए। प्रश्न नंबर 4, योग अभ्यास के सामान्य लाभ लिखिए। योग अभ्यास के सामान्य लाभ यही है कि इससे बीमारियों वगैरह की मुक्ति मिलती है। प्रश्न नंबर 5, संतुलित भोजन किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, स्वस्थ रहने के प्रमुख स्तंभ लिखिए। प्रश्न नंबर 7, संप्रेरण की प्रक्रिया के मूल तत्व क्या है। प्रश्न नंबर 8, आपके विचार में एक सभ्य समाज की क्या परिभाषा है। प्रश्न नंबर 9, क्रोध से होने वाले 2 नकारात्मक प्रभाव लिखिए। क्रोध से मन अशांत होता है, परेशानी होती है शरीर को। प्रश्न नंबर 10, गर्भ निरोधक क्यों अपनाए जाते हैं, ताकि ऐसे में कोई बच्चा पैदा ना हो। खंड ब, ये भी 10 अंकों का है। खंड ए भी 10 अंकों का था, खंड ब भी 10 अंकों का है। 11 नंबर, संचार माध्यमों का आपके जीवन में क्या महत्व है। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान के अनुसार विवाह की उचित आयु क्या है, तो 18 वर्ष तो है लड़की की और 21 वर्ष है लड़के की। प्रश्न नंबर 13, यौन संचारित संक्रमणों के प्रकार लिखिए। प्रश्न नंबर 14, किशोरावस्था में खेलों का क्या महत्व है। प्रश्न नंबर 15, शारीरिक बदलाव से जुड़ी भ्रांति लिखिए। प्रश्न नंबर 16, प्रभावी संप्रेषण के लिए मुख्य बातें लिखिए। प्रश्न नंबर 17, पारिवारिक संबंधों के साधक तत्व लिखिए। प्रश्न नंबर 18, आप सबसे ज़्यादा किस व्यक्ति से प्रभावित है और क्यों। प्रश्न नंबर 19, एक अच्छा जीवन साथी चुनने के लिए आपकी अपेक्षाएं क्या क्या है। अच्छा जीवन साथी चुनने के लिए आपकी अपेक्षाएं क्या क्या है। प्रश्न नंबर 20, आपके अनुसार मीडिया का सबसे अच्छा प्रयोग क्या हो सकता है। पर्यावरण वगैरह के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा का विकास प्रचार करने के लिए यही मीडिया के अच्छे उपयोग हो सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास। खंड से की बात करते हैं, खंड से अभी 10 अंकों का है, पार्ट सी। प्रश्न नंबर 21, एड्स रोग के लक्षण बताइए। प्रश्न नंबर 22, नशे के 3 दुष्प्रभाव लिखिए। नशे के 3 दुष्प्रभाव, एक तो आर्थिक हानि होती है, एक मानसिक होती है और एक शारीरिक होती है, 3 होती है। प्रश्न नंबर 23, आत्मनिर्भरता से आप क्या समझते हैं। आत्मनिर्भरता से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 24, किन किन स्रोतों से विटामिन्स की प्राप्ति होती है लिखिए। प्रश्न नंबर 25, किशोरावस्था में किस किस प्रकार के मानसिक परिवर्तन आते हैं लिखिए। किशोरावस्था में जैसे लड़कियों के अंदर लड़कियों की आवाज़ तीखी हो जाती है और उनके शरीर के कुछ हिस्से बढ़ने लग जाते हैं, लड़कों के अंदर दाढ़ी मूछें आने लग जाती है, तो कुछ परिवर्तन होते हैं, थोड़ी आवाज़ बड़ी हो जाती है लड़कों की। प्रश्न नंबर 26, महावारी के समय प्रचलित भ्रांतियाँ कौन कौन सी है। प्रश्न नंबर 27, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके योजनाबद्ध चरण क्या है। प्रश्न नंबर 28,
मित्र का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि मित्र का सामाजिक स्तर कैसा है, उसके अंदर कोई दुर्गुण वगैरह तो नहीं है, वो कोई नशा वगैरह तो नहीं करता होगा, ये सभी बातों का ध्यान रखकर ही आपको मित्र बनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 29, एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय नागरिक के रूप में हमें जीने का अधिकार प्राप्त है, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, समानता का अधिकार प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकारों में प्राप्त है जिसे हम संवैधानिक अधिकार कहते हैं, शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न नंबर 30, सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, तनाव नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए यानी क्रोध नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए और लोभ और लालच भी नहीं करना चाहिए, ये सारे सकारात्मक विचार होते हैं। एक दूसरे के साथ तुलना भी नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर खंड द के अंदर 10 अंकों के प्रश्न नंबर 31, ओपिएट के आप क्या समझते हैं? ओपिएट से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 32, भोजन में पौष्टिकता को बढ़ाने के उपाय लिखिए। भोजन के अंदर पौष्टिकता बढ़ाने के लिए सुबह जैसे आप डेयरी फूड प्रोडक्ट ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं जिसमें दूध है, सुबह छाछ या दही ले सकते हैं और भोजन के अंदर बीच में सलाद भी ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 23, बालिका भ्रूण हत्या एक चिंता का विषय है कैसे? बालिका भ्रूण हत्या एक चिंता का विषय है क्योंकि बच्चा जन्म लेने से पहले ही गर्भ की जांच हो जाती है तो पता चलता है कि लड़का नहीं लड़की है तो भ्रूण की हत्या करवा दी जाती है, बहुत चिंता का विषय जिससे लिंगानुपात घटता ही जा रहा है, 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या बहुत कम हो गई है। प्रश्न नंबर 34, एसटीआई से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 35, आसन व प्राणायाम हेतु आवश्यक नियम व सावधानियां लिखी। आसन और प्राणायाम हेतु। प्रश्न नंबर 36, अनुकूल और सुरक्षित परिवेश के रूप में हमारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं? प्रश्न नंबर 37, आप अपने गुस्से को कैसे नियंत्रण करेंगे? अगर आपको गुस्सा आ जाए तो आप कैसे नियंत्रण करेंगे? प्रश्न नंबर 38, भावनाओं से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 39, परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और 40 नंबर प्रश्न है, पारिवारिक संबंधों को मजबूती देने के आधार लिखिए। जो पारिवारिक संबंध है उनको मजबूती देने के आधार लिखने हैं। अच्छा, ये पेपर आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस पेपर को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये ओरिजिनल पेपर है, हमें बीकानेर से प्राप्त हुआ है क्योंकि बीकानेर का आज पेपर हो चुका है, जीवन कौशल का ये ओरिजिनल पेपर है, आपको हेल्प कर सकता है। अधिकांश जगह पर यह पेपर हुआ नहीं है, कुछ जगहों पर यह पेपर हो चुका है, अलग अलग ज़िले का अलग अलग पेपर होता है, वो आप सभी को ध्यान है तो आप इसे इम्पोर्टेंट मॉडल प्रश्न पत्र मानकर ही अध्ययन करें। प्यारे विद्यार्थियों, यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। यदि आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ी देर में कक्षा 11 का हिंदी अनिवार्य का प्रश्न पत्र जो ओरिजिनल पेपर है उसको भी हम पढ़ने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा। हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।